नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सर्पम मित्र डी के सैनी में। तो दोस्तों आज का रेक्सुपोल जो है कि हमें राघोगढ़ के लगभग 5 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर है। और दोस्तों इनके यहाँ पे एक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो लगा हुआ है। तो दोस्तों इनके घर में ही लगा हुआ है। ये दादा बहुत परेशान है, इनसे कम से कम आज 2 महीने से ये मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, तो ये रात को सो भी नहीं पा रहा है। तो दोस्तों ऐसे में हम रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, आप देख सकते हैं। तो दादा आपका नाम बताइए। रमेश सैनी इनका नाम है। और ये जगह कौन सी है दादा? चलो ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं आप, आइए। तो आप वीडियो में बने रहिए, अभी हम ये आपको लिए बताएंगे कि ये छत्ता कहाँ लगा हुआ है मधुमक्खी का। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये मधुमक्खी का छत्ता इनके ये घर के एक पिलर है, बीम उस पे लगा हुआ है। और दोस्तों अब हम इसको यहाँ पे रेस्क्यू करेंगे सुरक्षित, और इस परिवार का जो डर है, और आप देख सकते हैं दोस्तों यहीं पे ये परिवार रहता है, और ये दादा यहीं पे रहते हैं, इनका पूरा परिवार रहता है, इनकी फैमिली पूरी यहीं पे रहती है। साथियों आपकी जानकारी लेके बता दूं कि ये परिवार हमको लगभग 1 महीने से कॉल कर रहा था कि हमारे घर के पास जो पिलर है उस पर एक मधुमक्खियों ने घर बना लिया है और हमारे परिवार के एक सदस्य को काट भी लिया है। तो दोस्तों ऐसे में इन लोगों को बहुत खतरा महसूस होता है, और इन लोगों ने इस मधुमक्खी के जो घर है उसको जलाया नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे घरों को जला देते हैं मधुमक्खियों के, क्योंकि ये तो बेजवान होते हैं दोस्तों, इनको मारे ना, क्योंकि ये हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। और दोस्तों हमारे साथ हमारे मित्र गोलू भाई आ चुके हैं, हमारी टीम के सदस्य, अब हम इसको रेस्क्यू करेंगे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे मित्र गोलू भाई यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं, और ये मधुमक्खी के पास में पहुँच गए। कट्टा दो दादा, कट्टा दो। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे खतरनाक तरीके से रेस्क्यू हुआ है इन मधुमक्खियों का, और अब हम इनको इन बैग में इस भाई ने रख लिए हैं। आप देख सकते हैं पूरे ये मधुमक्खी के जो माँ के हैं उनको सुरक्षित जंगल में रिलीज करेंगे ताकि ये वहाँ सुरक्षित रहे। और दोस्तों देख सकते हैं इस परिवार का भी डर मिट गया है, जो काफ़ी 2 महीने से लगभग आप देखना चाहो दूर से, तो देख सकते हैं दोस्तों सारी मधुमक्खियों को इस बैग में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप और कुछ मधुमक्खियां आसमान की ओर जा चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी बता दूं कि हम जब इनका रेस्क्यू कर रहे थे तो हमारे कैमरामैन काफ़ी दूर भाग चुके थे, इसलिए हम इस रेस्क्यू करते वक्त कैमरामैन बहुत दूर भाग चुके थे, इसलिए हम इस वीडियो को शूट नहीं कर पाए रेस्क्यू करते समय। और साथियों इस वीडियो को हम अपलोड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जानकारी सभी के पास पहुंचे, क्योंकि अगर हम ये वीडियो शूट नहीं करते तो किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम मधुमक्खी का भी रेस्क्यू करते हैं। तो साथियों जब भी आपके घरों के आसपास छतों के आसपास जो मधुमक्खी का छत्ता बना दिखे तो कृपया उनको जलाए ना, मारे ना, और हमें हमारे डिस्क्रिप्शन नंबर है उसमें संपर्क कर सकते हैं और हमें बुला सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनके काटने पर बहुत सूजन होती है। तो इसी के साथ दोस्तों आपको अगर ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जब भी आपको कहीं ऐसा मधुमक्खी कहीं आपके घरों के आसपास लगी हुई है तो उनको सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए आ सकते हैं हमारे चैनल में, जो नंबर आता है उससे आप फ़ोन लगाकर हमें बुला सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय माता दी।